हाल ही में हुई रशिया के न्यूक्लियर वेपन टेस्ट ने ग्लोबल लीडर्स की टेंशन को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से भी विड्रॉ कर लिया है। इस ट्रीटी के रिमूव होने के बाद अब रशिया फ्रीली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर सकता है। रिसेंटली रशिया ने अपने डेडली वेपन बुरेवेस स्निक, जो कि एक न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल है, उसे सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। इस मिसाइल की कैपेबिलिटीज खुद पुतिन ने शेयर करी है। ये मिसाइल की रेंज 20,000 किलोमीटर से ज्यादा है, जिसकी मदद से ये वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, लाइक सरमत मिसाइल। वहीं ये मिसाइल जमीन से सिर्फ 50 मीटर की ऊंचाई पर ट्रैवल कर सकती है, जिसकी वजह से इसे किसी रडार सिस्टम द्वारा डिटेक्ट किया जाना नियर टू इंपॉसिबल है। रशिया के इन दोनों स्टेप्स को यूएसए ने ओपनली क्रिटिसाइज किया है। हालांकि यूएसए ने खुद कभी इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं करा है। सो क्या रशिया का इस ट्रीटी से बाहर आने का मतलब यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक की प्लानिंग तो नहीं है?